नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं सीपीसीटी का सिलेबस। अधिकतर स्टूडेंट को ये समस्या रहती है कि सीपीसीटी सिलेबस वो सर्च नहीं कर पा रहे हैं और उसके अनुसार वो तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि सीपीसीटी के सिलेबस में आखिर क्या क्या चीज़ पूछी जा रही है। इसके लिए आप mapit.gov.in टाइप कर सकते हैं और mapit की साइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको mapit पर सीपीसीटी ऑप्शंस मिलेगा। इसके अंतर्गत पेपर शेड्यूल्स और सिलेबस सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसी वे में सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें रैमिंग टलगेल जो हमने पिछले वीडियो में बताया था उसकी सेटिंग्स भी यहाँ पे दे रखी है। स्कोर कार्ड वगैरह यदि आपके आए तो भी आप कैसे डाउनलोड करें, रीड करें, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम यहाँ से सिलेबस को मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं उसका सिलेबस की आखिर सीपीसीटी में क्या क्या रखा गया है। तो इसके सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले कंप्यूटर का फंडामेंटल इसके अंतर्गत दिया गया है। अवेयरनेस अबाउट डिफरेंस रिकॉर्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच है जनरेशन वगैरह इसमें दे रखा है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दे रखा है। प्रिंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी पूरा कंप्यूटर फिजिकल डिवाइस इनके बारे में दे रखा है। मदरबोर्ड साउंड कार्ड ग्राफिक कार्ड है ना डिवाइस कीबोर्ड माउस हम आगे आने वाले वीडियोस में इनके सभी के बारे में भी आपको बताने वाले हैं ताकि आप घर बैठे ही सीपीसीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। अभी हम इसका सिलेबस देख रहे हैं। इसके अंतर्गत लैंग्वेजेस परफॉर्मेंस वगैरह दे रखा है। मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज ओपन सिस्टम इसमें दे रखा है। डॉस विंडोज डॉस पर्टिकुलर सा लिखा नहीं है लेकिन कुछ कमांड कभी कभार पूछी गई है। इसमें कॉन्सेप्ट उसका पूछा गया है विंडोज और यहाँ तक कि इसमें लिनक्स भी दे रखा है। बिट माई मेमोरी मापक की कई दे रखी है इसमें। इसके अलावा ऑपरेटिंग बेसिक कंप्यूटर इसमें दे रखा है। इंस्टॉल कैसे करें विंडोज़ को ये सारी सेटिंग इसमें दे रखी है। बैकग्राउंड वगैरह सेटिंग कैसे चेंज करें ये सारा इसमें दिया गया नहीं। कुल मिलाकर के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली इसमें पूछा गया है। सिक्योरिटी ऑप्शन यूज़र पासवर्ड ये सारा यानी विंडोज़ पूरा कम्प्लीटली इसमें पूछा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेकिन 52 मार्क्स के कंप्यूटर आएंगे। यदि आप कंप्यूटर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इजी वे में आप कंप्यूटर से ही पास हो जाएंगे। आईटी स्किल्स से ही आप उसको निकाल पाएंगे। इसके अलावा इसमें एमएस वर्ड दे रखा है। वर्ड प्रोसेसिंग स्किल सर्च क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग स्पेलिंग चेक क्रिएटिंग टेबल वर्किंग एंड हेडर फूटर स्मेल मर्ज इसमें दिया गया है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इसमें दे रखी है। वर्ड प्रोसेसिंग कमांड इसमें दिए हैं। शॉर्टकट कमांड्स इसमें पूछे आते हैं। नंबर स्किल्स इसमें दे रखा है। उनके फार्मूलेस उसमें दे रखे हैं। एक्सेल के अंतर्गत जो फार्मूला लगते हैं वो इसमें पूरा दे रखा है। इंटरनेट इसमें दे रखा है। इंटरनेट पर आप डाउनलोडिंग अपलोडिंग कैसे करते हैं ये सारा इसमें दिया गया। साथ ही इसमें पावर पॉइंट के डिटेल्स नहीं दिए गए लेकिन आप फिर भी पावर पॉइंट की तैयारी करें क्योंकि अधिकांशतः पावर पॉइंट की भी आवश्यकता कहीं ना कहीं आपको लगती है। इसके बाद इसमें जनरल अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री इंडियन जियोग्राफी भी पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें है। थ्रेड्स एंड करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा। इसके अलावा टाइपिंग में कीबोर्ड टाइपिंग में स्किल में हिंदी इंग्लिश और हिंदी है जिसकी हम आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें ये भी पहले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। तो आप आसानी से यदि इसमें अच्छे से पढ़ने में आपको नहीं आता है तो क्योंकि मैंने वीडियो बेस बताया है इसमें तो आप mapit की साइट पर जाकर के भी सिलेबस और अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें।